नमस्कार दोस्तों, दरअसल ये किस्सा है एक मंदिर की चोरी का कि एक मंदिर में चोरी हो गई और सुबह सुबह सारे पुजारी रोना धोने लग गए। अब लोगों की भीड़ लगने लगी थी तो उन भीड़ में से एक आदमी चीरता हुआ उस पुजारी के पास गया और आदमी बोला, क्या हो गया पुजारी जी? पुजारी ने कहा, कलयुग आ गया, दुआन के भी पैसे नहीं छोड़े चोरों ने, थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, थाने को जलाना पड़ेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये बात सुनकर आदमी बोला, पुजारी जी पैसे तो भगवान के चोरी हुए हैं, तुम क्यों रिपोर्ट करने जा रहे हो, अपना काम कीजिए, भगवान स्वयं करेंगे। पुजारी, नहीं नहीं वैसे चोरों ने गलत किया। आदमी, कर्म प्रधान है, सबसे पहला कर्म माना जाता है और चोरों ने जो काम किया है वो सही है या गलत है वो तो भगवान तय करेगा, तो आप कौन होते हैं? पुजारी, नहीं नहीं चोरी करना गलत बात है, ये भगवान का अपमान है। आदमी बोला, नहीं पुजारी जी ये काम भगवान ने ही करवाया है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये आपका ही कहना है। पुजारी बोला, लेकिन इस जघन्य अपराध के लिए उस चोर को दंड देना अनिवार्य है। आदमी बोला, हम क्या लेकर आए थे और हम क्या लेकर जाएंगे, हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले, जो कुछ करता है सब ऊपर वाला ही तो करता है। पुजारी, ज्ञान ज्ञान की जगह है, हमें तो हमारा पैसा चाहिए। आदमी बोला, अभी तो ये बोलना तुझे तेरे पैसे चाहिए फिर भगवान को क्यों बदनाम कर रहा है अपने इस धंधे के लिए, अर्थात जो मंदिर में हम पैसा भगवान के नाम पर भगवान को चढ़ाते हैं वो पैसा समाप्त हो जाता है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर आप मंदिर में जाकर पैसा चढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल ना बोलें कि हम भगवान को पैसा चढ़ा कर आए हैं, बल्कि ये बोलें कि हम ब्राह्मण को पैसा दे के आए हैं आराम का, क्योंकि उसने कोई आपके लिए काम तो किया नहीं। कहीं सब्जी लेने जाते हैं गरीब आदमी से, वो मेहनत मजदूरी करता है, धूप के अंदर खड़ा रहता है, उसकी 40 रुपये की सब्जी के लिए 40 रुपये के सामान के लिए नहीं नहीं हम तो 30 देंगे, इसमें तो 10 रुपये बचा कर ब्राह्मण जी को जो दे के आने हैं, पंडित जी को जो दे के आने हैं, उस आदमी से वो मोल भाव करेगा। लेकिन वहाँ पंडित पुजारी जो मंदिर में बैठ कर हराम की खा रहा है फ्री, ना वो तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहा है ना तुम्हें कुछ दे रहा है, तुम उसको दे के आ रहे हो, बोलते हैं कि आशीर्वाद मिल जा रहे भाई मेरे पास आ जाओ, मैं भी ऐसे हाथ उठा के कह दूंगा आयुष्मान भव मुझे पैसा दे दो, बहुत बढ़िया धंधा है, जिसको करना है करे जाइए, मैंने तो बता दिया, सोच समझ लेना, अगर कुछ समझ में आ गया हो तो भाई शेयर जरूर कर देना।